एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या बोल रहे हैं यहां पे हम देखते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4n-1 एंड -2, -3। तो क्या मतलब है इसका, इससे पहले मैं यहां पे जल्दी से पहले फिगर बना लेता हूं। तो ये आपके पास एक पॉइंट है ए जिसकी वैल्यूज आपको दे रखी है 4 और -1, और एक पॉइंट है बेटा बी जिसकी वैल्यूज है या कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। अब क्या बोल रहे बेटा, वो कह रहा है इस पॉइंट का ट्राई सेक्शन हो गया है। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 equal parts। ट्राई सेक्शन आप कहीं पे नोट कर लो चाहे, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड इंटू 3 equal parts, यानी कि इस लाइन को 3 equal parts में डिवाइड कर दिया गया है। इक्वल पार्ट, ये चीज पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसका मतलब इसके बीच में कोई पॉइंट सी भी आया होगा और कोई पॉइंट डी भी आया होगा, जिसकी वजह से ये देखो एक एसी वाला पार्ट बन गया, एक सीडी वाला पार्ट बन गया और एक बीडी वाला पार्ट बन गया। और वो कह रहे ये तीनों इक्वल पार्ट्स है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई लाइन बीच में से डिवाइड होती है या इक्वल गैप में डिवाइड होती है तो उसकी रेशियो क्या रहती है, 1:1। अब क्योंकि यहां पे तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है तो इसकी रेशियो हो जाएगी 1:1:1। तो तीनों की 1:1:1 की रेशियो यहां पे हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड करो ये कोऑर्डिनेट्स, यानी कि सी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करो और डी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करो। अब यहां पे पॉइंट आता है कि मैंने तो बेटा आपको ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं जिसके अंदर हमारे पास दो यहां पे कोऑर्डिनेट्स अलग अलग फाइंड करने हो और दोनों को फाइंड करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला हो, वो तो मैंने आपको नहीं लिखवाया। मैंने तो आपको एक पॉइंट का निकालने का सिखाया था कि अगर एक पॉइंट यहां पर निकालना हो तो मैं किस तरीके से इसको निकाल सकता हूं। सो इसको फाइंड करने के लिए बेटा मेरे को यहां पर दो केसेस बनाने पड़ेंगे, एक मेरा बनेगा केस वन और एक मेरे पास बनेगा केस टू। तो कैसे होगा बेटा ये केस वन और केस टू सॉल्व, इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे इस डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा केस वन के लिए ए और बी, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, -1 और ये हो जाएगा -2, -3। अब पहले मैं इसके सी को फाइंड करूंगा, सी वाले कोऑर्डिनेट को, ये देखो ये रहा सी वाला कोऑर्डिनेट। अब इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो एसी की रेशियो है 1, ए सी की रेशियो है 1 और सीडी और बीडी की है 1:1। तो मैं डी को तो अभी कंसिडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सी और बी को कर रहा हूं। तो सी और बी की रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1:2। तो इसका मतलब ए और बी में जो सी है ना, तो इनकी रेशियो हो जाएगी 1:2। दोबारा से समझा रहा हूं बेटा कैसे आ रही है 1:2, ध्यान से देखो ए सी तो मेरे पास 1 ही है और जो सी और बी है ना वो 1:1 दो पार्ट्स में बटा हुआ है, तो 1:1 कितना हो गया 2, तो इसका मतलब इसकी रेशियो 2 होगी। अब तो एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह बन गया। अब यहां पे आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको सिखाया हुआ है और बस आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बेटा, मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालने का फॉर्मूला है m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, m into y2 plus n into y1 divided by m plus n। वैल्यूज पुट करते हैं, m की जगह आएगा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइडेड बाय 1+2, कॉमा फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और डिवाइडेड बाय 1+2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 में को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -2 और 2 को 4 से करेंगे 8 और डिवाइडेड बाय 3, कॉमा 1 को -3 से करेंगे -3 और 2 को -1 से करेंगे -2 डिवाइडेड बाय 3। देन 8 में से 2 गया बेटा 6/3, कॉमा -3, -2, -5/3। अब ये तो कट जाएगा, ये कट के कितना आएगा 2, तो इसका आया बेटा 2, -5/3। अब ये किसके कोऑर्डिनेट्स निकले बेटा, ये सी के कोऑर्डिनेट्स निकले। अब इसी सेम तरीके से मुझे डी के भी निकालने हैं, तो डी वाले को मैं मान लेता हूं केस 2। इसके लिए फिर से डायग्राम बनाता हूं बेटा। तो यहां पे मेरे पास आएगा ए जो कि है मेरे पास 4 और -1 और बी है मेरे पास -2 और -3। इस तरीके से यहां पे मेरे पास आ जाएगा ए बी, और अब मुझे निकालना है डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कुछ यहां पे आएंगे, डी का कोऑर्डिनेट्स। अब आप फिर से देखो ए से डी तक के बीच में 1:1 दो रेशियोज हैं, तो 1:1 यानी कि 2, तो ए और डी तो हो गया 2 और डी भी कितना बेटा 1, तो डी भी तो 1 ही रहेगा। तो इस बार डी निकालने के लिए रेशियो 2:1 होगी, सी निकालने के लिए रेशियो थी 1:2, डी निकालने के लिए होगी 2:1। बस अब फॉर्मूला लगा दो बेटा और आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी
इस बार बेटा मैं फॉर्मुला नहीं लिखूंगा, मैं सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो वैल्यूज पुट करने का तरीका है, देखो ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस 2 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करो माइनस 2 प्लस ये 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 और कॉमा। टू को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा माइनस टू से माइनस थ्री से और प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से और डिवाइडेड बाय टू प्लस वन। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो टू और माइनस टू हो जाएगा बेटा माइनस फोर और प्लस वन और फोर हो जाएगा फोर और डिवाइडेड बाय थ्री कॉमा। टू और माइनस थ्री हो जाएगा माइनस सिक्स और वन और माइनस वन हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री। देन माइनस फोर और फोर आ जाएगा बेटा जीरो बाय थ्री कॉमा, इसका आ जाएगा माइनस सेवन बाय थ्री। अब जीरो बाय थ्री मतलब जीरो और माइनस, तो इस तरीके से बेटा आपका आंसर यहां पे आ जाएगा।